हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आयशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उपमा बनाने की रेसिपी। इसे आप नाश्ते में भी बना सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून शुगर, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ऑयल 1 टेबल स्पून, घी 1 टेबल स्पून, बारीक कटी हुई प्याज 1 मीडियम साइज़, 2 से 3 हरी मिर्च, उड़द दाल 1 टीस्पून, चना दाल 1 टीस्पून, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, सेंग दाना 2 to 3 टेबलस्पून, थोड़ी सी कोथमीर, सूजी 1 कप, 5 to 6 काजू जिन्हें मैंने हाफ़ में कट कर लिया है इस तरह से। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इसमें हम लेंगे सूजी। सूजी को हमें रोस्ट करना है। रोस्ट करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल या फिर घी। इसे हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए, सूजी हमारी रोस्ट हो चुकी है। अब इसे हम निकाल कर साइड में रख लेते हैं। अब उसी पैन में मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल। इसमें हम ऐड करेंगे राई, चना दाल, उड़द दाल। इसे हम थोड़ा 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, सेंग दाना और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे काजू। इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी मैंने यहाँ पे 3 कप्स ऐड किया है क्योंकि मैंने सूजी 1 कप लिया है। आप भी इसी माप से ऐड करें। इसमें हम ऐड करेंगे नमक, शुगर। पानी बॉईल होने लगा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सूजी। सूजी को हम अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। अब इसे हम ढक कर 2 से 3 मिनट पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे घी। थोड़ा सा नींबू का रस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक कर और 2 मिनट पका लेंगे। तो देखिए, हमारा उपमा रेडी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा उपमा बन के रेडी है। इसे हम अब डिश आउट कर लेते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें।